और बात करें शुभम गिल की तो वो बहुत वेल ग्रूम नजर आते हैं आपको, लगता ही नहीं है कि वो कोई अनाड़ी प्लेयर है या रिसेंटली उन्होंने डेब्यू होते हैं। सर शुभमन गिल जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत ज्यादा पाकिस्तान को धोने वाला है और बाबर आजम जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो यकीनन आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम देने वाले तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा मिस शुभमन गिल जो कि इंडिया के न्यू बैट्समैन है, उन्होंने हमारे बाबर आजम का रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो कि 26 मैचों के अंदर 1355 स्कोर करके, इवन बाबर आजम का 1322 था। मैं इस वक्त एक बहुत ही कह लेंगे एक ब्राइट बैट्समैन देख रही हूँ जो कि अपने डेब्यूट से बहुत अच्छा चल रहे हैं, जो कि उनका 3 जनवरी को हुआ था एंड कह लेंगे डबल सेंचुरी की है। जो बंदा आते ही डबल सेंचुरी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो विराट कोहली को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो एमएस धोनी, मतलब जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स उनके गुजरे हैं, बैट्समैन गुजरे हैं, उन सारों को कह लेंगे वो रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, काबिलियत रख रहे हैं। और उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस किया, रही बात हमारे अपने बाबर आजम की, तो बाबर आजम तो रिप्लेस होने के काबिल भी हैं क्योंकि जिस तरह की गेमिंग चल रही है फॉर्म में तो वो नजर नहीं आते हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी इंटरनेशनल क्रिकेट जो उसने अभी स्टार्ट किया है और इसने यानी कि पहली ओटी मैच हुआ था 200 स्कोर किया था, मुझे याद है तब से मैं मुझे इसलिए इसका नाम याद है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। तब मैंने इसकी पूरी इनिंग देखी थी यार, कमाल का बैट्समैन है यार, बहुत ही अच्छा काम परफॉर्म करता है। और आई थिंक ये जो इसने अभी ये जो रिकॉर्ड ब्रेक किया ये इसके लिए मुश्किल नहीं था और ये इसने बड़ी जल्दी से ग्रो किया इन चीज़ों के ऊपर, और इसकी जो क्रिकेट की जो इसका खेलने का अंदाज है वो भी डिफरेंट है अपने बाकी प्लेयर्स की नस्बत से। तो आप देखिए कि यार इंडिया टैलेंटेड कंट्री है, अपने बैट्समैनों को प्रमोट करता है, उनको मौका देता है अच्छा खेलने का और वो खेलते भी और परफॉर्मेंस भी देते हैं। सही बात है जी, बड़ी हैरानगी की बात है कि उनका हर प्लेयर दिन ब दिन जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आगे नज़र आ रहा है। जैसे सूर्य कुमार यादव था, उसके बाद अभी रिसेंटली हम शुभमन गिल की बात करें तो उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जैसे कि उसने डब्ल्यू मैच में आपने देखा होगा कि डबल सेंचुरी की है और बाबर आजम का एक रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो यकीनन विराट कोहली का जो है वो नेक्स्ट नंबर ले जाएगा। यही नहीं अभी और सुनिए, और बात करें शुभम गिल की तो वो बहुत वेल ग्रूम नजर आते हैं आपको, लगता ही नहीं है कि वो कोई अनाड़ी प्लेयर है या रिसेंटली उन्होंने डेब्यूट किया है। आप खुद देखिए कि इंडिया का हर प्लेयर ऐसा आता है जो कि आपको वेल ग्रूम नजर आता है, जो वो मैदान में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने को ओडीआई खेल चुके हैं, कितने को लीग्स खेल चुके हैं वो लोग। हमारे प्लेयर्स में ये चीज नजर ही नहीं आती है, कुछ किसी को सोने की पड़ी होती है, किसी को खाने की पड़ी होती है, किसी को अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं है। इंडियन प्लेयर्स क्यों पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेप्टेबल है, स्पेशली सूर्य कुमार यादव नए आए हैं एंड शुभम गिल ने रिसेंटली एंट्री की है, तो आप खुद देखेंगे ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि 360 के स्टाइल से खेलते हैं, जो आते ही डेब्यूट में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग उनको अपने दिलों में उतार रहे हैं एंड उनके फॉलोअर्स आप खुद देख लें, हमारे इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर नहीं आते क्रिकेटर्स जितने हमें उनके नजर आ रहे होते हैं। एंड शुभम गिल जाहिर सी बात है पर्सनालिटी अच्छी है, ग्रूमिंग अच्छी है, तो फैन फॉलोइंग भी उनकी इंप्रूव होगी और साथ में इस बार वर्ल्ड कप एंड एशिया कप में भी वो बहुत अच्छा खेलने को मिलेगा हमें। शुभमन गिल जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को धोने वाला है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहा की है, और जैसे कि उसने रिसेंटली जनवरी में देखा होगा उसकी परफॉर्मेंस की, उसने डबल सेंचुरी की है और बाबर आजम जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो यकीनन आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम देने वाला है क्रिकेट में। सही पकड़े हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।